हाय गाइस, जानता हूँ बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो तो इस वीडियो के टाइटल को पढ़ के ही समझ गए होंगे किस सब्जेक्ट में बात होने वाली है, और जो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं उनको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में बात होने वाली है आज। और हाँ, आज मैं हैंडीकैप लोगों के सब्जेक्ट में बात नहीं करने वाला हूँ। सो लेट्स शुभारंभ। इंडिया सच अमेजिंग कंट्री। मेन सब्जेक्ट में बात करने से पहले मैं इंडिया के बारे में कुछ बताने वाला हूँ जो आप पहले से जानते होंगे और कुछ बातें ऐसी हैं जो आप शायद ना जानते हो कि इंडिया में ही सबसे पहले लोहे के खंभे बने थे। सबसे पहले इंडिया में तराजू बनाया गया था, जो पूरी दुनिया में तराजू इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले इंडिया में ही बना था। सबसे पहली मिसाइल हमारे इंडिया में बनी थी जो कि टीपू सुल्तान जी ने बनाई थी। इंडिया ही पहला ऐसा देश है जो मंगल पे फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचा है, और सूर्य की खोज इंडिया में हुई हमारे भारत में। और सबसे पहली जो प्लास्टिक सर्जरी है वो भी हमारे इंडिया में हुई थी, महर्षि सुश्रुत ने की रही। इतनी सब बातें सुनो ना तो ऐसा लगता है कि अपन लोग बहुत अच्छी कंट्री में। गांधी जी उनके जो सिद्धांत है विदेशों में भी माने जाते हैं। तो ऑल ओवर हमारी कंट्री बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। हमारी छाती चौड़ी होती है सारी बातें सुन के कि हाँ, हम लोग बहुत अच्छी कंट्री में पैदा हुए हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरी कंट्री की तारीफ होती है। तो पर अब देखो, आपकी छाती चौड़ी तो हुई होगी सारी बातें सुन के। अब मैं केवल दो नाम लूंगा, वो आपको सुनना बस है, निर्भया और आशिफा। क्या हो गया वो छाती हुई जो आपकी चौड़ी छाती थी, वो क्या हो गया उसको? माने शायद आपके मन में शायद कुछ और उत्पन्न हो गया होगा, क्यों नहीं? आशिफा और निर्भया सुन के उसने भी आपकी जो प्राउडनेस थी वो सब चली गई इंडिया के प्रति। मैं इस सब्जेक्ट पे कुछ बोलने नहीं वाला था क्योंकि मेरे तो समझ के परे ये सारा सब्जेक्ट, पर मैंने देखा, मैं एक दिन व्हाट्सएप चला रहा था तो मुझे एक इमेज आई। उसमें इमेज में लिखा हुआ था जस्टिस फॉर आशिफा, और मेरे फ्रेंड ने नीचे लिखा, भाई इसको ना डीपी बना ले तू अपने व्हाट्सएप की, अपन लोग ना उसको जस्टिस कर रहे हैं, अपन लोग ना उसके साथ खड़े आशिफा के। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, भाई तू एक बात बता, ये जस्टिस फॉर आशिफा लिख के और सेटिंग में जाके गैलरी में जाके उस डीपी को सेट करने में किस कैसे जस्टिस मिल जाएगा आशिफा को? मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जस्टिस फॉर आशिफा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा किसी तरीके से कोई योगदान होगा, मुझे नहीं लगता है इससे कुछ होगा। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने बोला, हाँ यार भाई, लेकिन सब वही कर रहे हैं। तो मैंने बोला, हाँ हाँ, ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना ये तेरे लिए, तो इसलिए शायद तू बोल रहा है कि सबको पिक भेज रहा है, वो वीडियो सब शेयर कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया डीपी वाला सब्जेक्ट कि लोग डीपी लगा रहे हैं जस्टिस फॉर आशिफा। आपको कुछ करना है तो आप एक्शन करो ना, ये तो आपने ट्रेंडिंग बना दिया कि डीपी डाल रहे हो और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे। मैंने बोला, भाई मैं ना तेरे को एक बेटर वे देता हूँ इस चीज को करने के लिए, इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए। आप लोगों को एक बात बताना, आप लोग जानते हो कि अर्थ में कुछ ऐसी अर्थ का कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे अर्थ में जीवन है। धरती पर हमारे यहाँ हवा, पानी, पेड़ पौधे सब पाए जाते हैं। थर्ड ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, मर्क्यूरी वीनस अर्थ, जिस नंबर पे अर्थ आती है। अब कैसा हो जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो और एक मीटियोर आए और गिर जाए, सारा इंटरनेट कनेक्शन सब कुछ जितना आपके मन में जितना जो भरा हुआ है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है, कल मेरा एग्जाम है या वॉट एवर जो भी, सब गया एक मिनट के अंदर। मैंने ऐसा क्यों कहा मालूम? क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे सारे लोग दोस्त बैठ के बात कर रहे थे आशिफा के बारे में, तो मैंने ध्यान दिया, एक थर्ड स्टैंडर्ड का लड़का हम लोग सबकी बातें सुन रहा था। मैंने आके पूछा, आशिफा कौन है? बताऊँ, उस समय मुझे ऐसा लगा कि काश कोई मीटियर और आए और हम लोग के ऊपर गिर जाए, क्योंकि मुझे आंसर देने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि आशिफा है कौन, क्या है। उसने बोला, भैया मैं सबके मुँह से सुन रहा हूँ कि आशिफा क्या क्या माने जो भी, तो मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी, मैं उसको बहाने नहीं मार सकता था फालतू के कि बेटा मैं अभी जा रहा हूँ तो मैं नहीं बता सकता, तुम अभी छोटे हो, ये सब की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। उस समय मुझे लगा कि काश एक मीटियर आके गिर जाए, धरती खत्म हो जाए, तो कैसे ही खत्म हो जाए। मेरे इस वीडियो से
भले ही 0.00001% फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे यकीन है पड़ेगा जरूर, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक पे जस्टिस फॉर अश्विन लिखना कुछ ऐसा ही है जैसे कि हार्दिक पांड्या बैटिंग करते हुए आउट हो गया और आप उसको बोल रहे हो भाई तुमको ना ऐसी बैटिंग करनी चाहिए, या वो आपकी बात सुनेगा, या आप टीवी से बात करोगे तो नहीं सुनेगा। कुछ ऐसा ही है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डीपी लगाना। वेल, मेरे पास केवल यूट्यूब है जो मैं आपसे इस यूट्यूब से बात कर सकता हूँ, कुछ मैसेज पहुँचाना हो तो लाइक और सब्सक्राइब, लेकिन आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।